गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि अपने जो सल्फोनिक ग्रुप की जो अभिक्रियाएं हैं, सल्फोनिक समूह की जो अभिक्रियाएं, यानी कि जो अपने सल्फोनिक एसिड पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था अपना, तो उसमें अपन ने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपन ने इसमें जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। और फर्स्ट अपन ने बोला था कि जब क्या हो कि इस ग्रुप की ये बॉन्ड क्लीवेज हो, यानी कि ओ एच के बीच का बॉन्ड क्या होता हो, क्लीवेज हो, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो, तो यानी कि इसका एसिडिक भी है। ठीक है, इस पर अपन ने बात भी की थी कि ये एसिडिक बिहेव करेगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि जैसे नॉर्मल एसिड्स होते हैं उन्हीं की तरह यहाँ पर एग्जांपल्स दिए थे अपन ने कि ये बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देता है कि उनको न्यूट्रलाइज करके साल्ट बनाता है। ठीक है, और मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस फ्री कर रहा है। ठीक है, अब इसी उसी टॉपिक पर जो अपने लास्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन आता है ये कि एक्सप्लेन वाई एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड स्ट्रोंग एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कि एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में अधिक प्रबल अम्लीय होते हैं। ठीक है, वो उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर दो बातें होती है। फर्स्ट क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक, अपन फर्स्ट बिंदु पर बात कर रहे हैं, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है कि जो OH समूह, जो OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप किसके साथ, एसिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, एसिल या एल्केनॉइल ग्रुप बोलते हैं, इसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, ऐड होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कार्बोक्सी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जुड़ा होता है, तो इसमें जो कार्बोक्सी समूह है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का नेचर रखता है, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है भाई, एसिल ग्रुप में क्या होता है भाई, एरोमेटिक पर बात कर रहे हैं तो इसमें ये कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई एसिल ग्रुप ये ग्रुप होता है। ठीक है, ये एसिल ग्रुप हो गया। अब इसमें क्या है कि जो इनके बीच के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, इनकी तरफ रहेंगे, तो ये क्या है कि सिंपल यहाँ से प्रोटॉन मुक्त करता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से क्या हो जाएंगे यहाँ पर कि कार्बन के पास क्या होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या होते जाएंगे, विस्थानीकृत होते जाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर H मुक्त हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन मुक्त होगा। इस तरह से क्या होगा कि ये क्या करेगा कि एक तरह से अम्लीय व्यवहार दर्शा रहा है। ठीक है, जबकि अपन इसी कंडीशन पर सल्फोनिक एसिड पर बात करें तो सल्फोनिक जो एसिड है इसके साथ क्या है कि ArSO2, यानी कि कौन सा ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, और ये O और ये H। अब इसमें क्या है कि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं, ऑक्सीजन के पास चले जाएं, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉनों को, इस इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा कि मोर फोर्स से, अधिक बल से, या अपन ये बोल दें कि इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की पावर इनमें बढ़ जाती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करने वाला ग्रुप हो जाता है इस कंडीशन में। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करेगा तो यहाँ से क्या है कि जो प्रोटॉन फ्री होगा वो प्रोटॉन क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर क्या करोगा, सिंपली क्या हो जाएगा, फ्री हो जाता है। तो फर्स्ट रीजन तो ग्रुप्स पर बात हो गई। सेकंड रीजन क्या आता है कि जो प्रोटॉन मुक्त करने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं, क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन बनेंगे, तो वो कार्बोक्सिलेट आयन का जो स्थायीकरण होता है, स्टेबिलिटी होती है, तो वो स्टेबिलिटी
क्या होता है कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के द्वारा होती है, ठीक है। और इसकी क्या है कि जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है उसमें दो ही बनती है, कि यानी कि जो कार्बोक्सिलेट आयन रहेगा ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। तो इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या है कि भाई एक बार ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ है तो अगली बार किसके साथ हो जाएगा, इस वाली ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा। तो इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है कि ओनली दो स्थितियों में ही रिमूव हो रहा है, ठीक है। या अपने इस पर सीधा बना करके ऐसे लिख दें, ठीक है। तो ये क्या है कि इसकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, ओनली दो बनती है। जबकि अगर अपन बात करें कि जो सल्फोनेट की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि जो सल्फोनेट आयन है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है कि जो अनुनादी संरचनाएं होती है वो क्या होती है कि तीन ऑक्सीजन परमाणु में क्या होता है कि एक ऋणावेश क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यानी कि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, तीन बन जाएगी, ठीक है। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या है कि भाई जो ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु पर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज क्या है कि दो, इसमें तो दो पोजीशन पर क्या हो रहा है, डिक्लोलाइज्ड हो, डिलोकलाइज्ड हो रहा है, विस्थानीकृत हो रहा है। जबकि अगर उसमें सल्फोनिक एसिड में बात करेंगे तो उसमें क्या है, तीन पोजीशंस पर होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि इनकी अनुनादी जो संरचनाएं हैं उसमें ये जो सल्फोनिक अम्ल का जो आयन बनता है वो आयन क्या है कि सिंपल, यानी कि जो सल्फोनेट आयन होता है वो सिंपली क्या होता है कि मोर स्टेबल हो जाता है, किसके कंपेयर, कार्बोक्सिलेट आयन के कंपेरेटिव क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और उस रीजन से क्या है कि ये इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, कि इस दोनों रीजन से क्या है कि कार्बोक्सिलेट जो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर क्या है कि जो सल्फोनिक एसिड है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक होता है। अब देखिए इसमें इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको, ठीक है। तो ये है, अब इसमें नेक्स्ट, ये आपको ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं आप, एक वीडियो में आ चुकी है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी, ठीक है। अब थर्ड पर आ जाएगा, तो इसकी क्या है कि जो माइनस चार्ज है, यानी कि ऑक्सीजन पर जो माइनस चार्ज है वो क्या है कि तीन पोजीशन पर स्थानीकृत होता रहेगा, लोकलाइज डिलोकलाइज्ड विस्थानीकृत होता रहेगा। तो इससे क्या है कि जितनी आपको पता है कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जिसकी जितनी ज़्यादा बनती है उसमें स्थायीकरण भी उतना ही, स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये दो रीजन है जिस पर अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब आपको थोटिकल लिख के बता देते हैं क्या होता है कि इसके दो कारण हैं, इसके टू रीजन्स हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में OH ग्रुप के साथ एसिल या एल्किनोइल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, या जिसमें स्थित कार्बोक्सी कार्बोक्सी ग्रुप
के इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है, सॉरी टेंडेंसी, क्या होगी प्रवृत्ति, टेंडेंसी होती है। ठीक है, अतः क्या होगा, अतः OH ग्रुप प्रोटॉन यानी कि H प्लस मुक्त करता है। ठीक है, अब इसमें अपने इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम बता देते हैं। ये एरोमेटिक ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इनके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो ये बात होगी इसकी। दूसरी बात आती है सल्फोनिक एसिड पर, सल्फोनिक जो एसिड है OH समूह के साथ, OH ग्रुप के साथ कौन सा सल्फोनेट, ArSO2, ग्रुप जुड़ा होता है ठीक है, ग्रुप जुड़ा होता है जो क्या है एसिल समूह की या ग्रुप की तुलना में कंपेयर तुलना में क्या करता है कि OH ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को अधिक आकर्षित, मोर अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन आकर्षित करने वाला ग्रुप है। ठीक है, और ग्रुप है तो उस रीजन से क्या है कि H प्लस यानी कि प्रोटॉन निकलना अधिक आसान हो जाता है, मोर सिंपल हो जाता है, अधिक आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर बताएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने वाला मोर रिएक्टिव ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों को OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज़्यादा फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इस रीजन से क्या होगा H यानी कि H प्लस मुक्त हो जाएगा। ठीक है, बी रीजन क्या आता है, ये तो हो गया फर्स्ट। बी पर बात करें तो इस पर क्या होता है, H प्लस फ्री करने के बाद, क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायीकरण स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी
आयन का के नहीं सॉरी का स्थायीकरण स्टेबिलिटी क्या होती है? दो रेजोनेटिक रेजोनेटिक या रेजोनेटिंग दो रेजोनेटिक अनुनादी संरचनाओं स्ट्रक्चर द्वारा होता है। ठीक है कि इसमें जो ऋणायन है यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है कि दो ऑक्सीजन पर रिमूव होगा। कैसे होगा? ठीक है ये एसिल ग्रुप वाला हो जाएगा। अब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी बॉन्ड ओ, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर डबल बॉन्ड ओ, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? ठीक है इसकी दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है स्थायीकरण में। ठीक है और इसी प्रकार क्या होता है इसी तरह से जो सल्फोनेट आयन है आयन में स्थायीकरण स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी क्या होती है? तीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। अर्थात जो ऋणायन है वो ऋणायन क्या है कि तीन ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होता रहेगा। ठीक है तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं ये भी। नेक्स्ट स्टेप में यह आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। नेक्स्ट स्टेप यहाँ नेगेटिव चार्ज और तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? ठीक है तो ये इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो इन दो रीजन से क्या होता है कि ये अधिक क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। ठीक इसके बाद जो अभिक्रिया आती है कि वो अभिक्रिया आएगी कि जिसमें क्या हो कि SO2 और OH के बीच का बॉन्ड टूटता है। एंड सेकंड टाइप की जो रिएक्शन आती है क्या आती है? रिएक्शन इन विच क्या हो? इन विच देयर इज क्लीवेज ऑफ SO2 OH बॉन्ड। ठीक है यानी कि क्या हो कि अभिक्रिया जिनमें बंध टूटता हो। अपने तीन बताई थी कि फर्स्ट में क्या था? OH बॉन्ड टूटेगा, सेकंड में ये, और थर्ड में ये पूरा ग्रुप एरोमेटिक ग्रुप से क्या होगा? अलग होगा। ठीक है तो अब इसमें जो बात करें तो
इसमें क्या होता है कि जो OH समूह है वो OH समूह क्या होता है कि आसानी से रिमूव होने वाला ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये प्रोटॉन मुक्त करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के कारण सिस्टम हो गया, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस रीजन से यहाँ पर क्या है कि ये केवल क्या होता है कि जो OH समूह है उसका जो प्रतिस्थापन होता है, रिप्लेसमेंट होता है, वो ओनली हैलाइड आयंस के द्वारा हो सकता है, ठीक है, बाकी किसी के द्वारा नहीं हो सकता है। अतः क्या होता है कि इन अम्लों के जो एस्टर या अपन ये बोलें कि एमाइड सल्फोनिक सल्फोनिल क्लोराइड, जो एमाइड होते हैं वो क्या होते हैं, सल्फोनिल क्लोराइड की हेल्प से ही बनाए जा सकते हैं। यानी कि एमाइड या अपने को क्या है कि इनके एस्टर का फॉर्मेशन करना है तो पहले इनका क्या करेंगे, हेलोजिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेलोजिनेशन से क्या बनेंगे, इनके क्लोराइड बन जाएंगे, और क्लोराइड सॉरी हेलोजिनेशन में इनके हैलाइड्स बन जाएंगे, और उसके बाद क्या है कि इनका क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन करके या अपना अन्य जो सिस्टम होता है वो करके और क्या बना सकते हैं, इनके यौगिक बना सकते हैं। इसमें क्या होता है इन अभिक्रियाओं में OH बंध बॉन्ड का टूटना आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट बात। सेकंड क्या कहेंगे कि जो OH ग्रुप है OH ग्रुप क्या है कि केवल हैलाइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापित हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है। तो अतः क्या होगा, अतः इनके एस्टर या एमाइड्स, एमाइड किसे बनाए जा सकते हैं, सल्फोनिल हैलाइड से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके सल्फाइड्स बनाने सॉरी हैलाइड्स बनाने हैं, तो इसके लिए फर्स्ट बात क्या होती है कि जब क्या हो कि सल्फोनिक एसिड की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या मिलेगा, कराने पर OH ग्रुप का Cl द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ये रिप्लेसमेंट होगा तो क्या बन जाएगा, इसके क्लोराइड के सल्फोनिल क्लोराइड बनेगा, तो कैसे फॉर्मेशन होगा, SO2OH, ये तो हो गया अपना सल्फोनिल, सल्फोनिक अम्ल हो गया, PCl5 इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फोनिल क्लोराइड, ये सल्फोनिल क्लोराइड बन गया, प्लस में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और प्लस HCl बन जाएगा, ठीक है। अब इनसे क्या है कि जैसे सैक्रीन का निर्माण करना है, जो अपने एक उपयोगी उत्पाद होता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं कि जो सस्ते पेय होते हैं, जो अपने ड्रिंक्स होती है, उनमें क्या है कि मीठापन लाने के लिए क्या है सैक्रीन का उपयोग किया जाता है, तो उसका फॉर्मेशन इसके द्वारा पॉसिबल हो जाएगा। तो ये आपको इनका फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।